सकते हैं। सो ही विल गेट कनेक्टेड टू दी जोन ट्रेनर, सॉरी जोन इंचार्ज फॉर ट्रेनर, एंड दे विल अरेंज द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनर फ्रॉम द कंट्री फॉर दिस टॉपिक। सो विद दिस आई वुड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, फ्लोर ओवर टू रहमान अगेन। थैंक यू सो मच भैया फॉर वंडरफुल स्पीच, एंड ऐसी ही स्पीच सीखने के लिए हमें हम लोग नॉर्मली ज्वाइन करते हैं JCI को। सो लेकिन JCI सिर्फ बोलने की जगह नहीं है, यहाँ खुद को डेवलप करने की जगह है, और खुद को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें शुरू करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है हमारा माइंडसेट कि हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी है। और यही आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जब हमने इसका ब्रोशर बनाया, इसका एक क्रिएटिव बनाया, तो बहुत सिलेक्टेड और अलग तरीके का नाम लिया कि उसे समझने के लिए लोग आए, और आज जो ज्वाइन करेंगे वो डेफिनेटली खुद की लाइफ में चेंज चाहते हैं, इसीलिए वो आज ज्वाइन करेंगे। क्योंकि हर एक नया वर्ड कुछ नई चीजें लेकर आते हैं, और नए ट्रेनर हमारे पास जो है ये एक्सपीरियंस ट्रेनर है, इन्होंने बहुत अलग कैटेगरी का क्रिएटिव थिंग्स बनाई हुई है लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए खुद के एक्सपीरियंस को जोड़कर। तो वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, 3 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं, जो कि 5 मिनट में हम लोग ऑलरेडी हमारा सब कुछ खत्म कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द JCI सूरत सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच अमित भैया टू गिव मी दिस पोजिशन, और ऑल द JCI मेंबर्स की उन्होंने इतना विश्वास किया कि एवरी सैटरडे हम लोग मिलकर एक नई ट्रेनिंग और एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, सीखते हैं, एक लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। सो मैं इन्वाइट करता हूँ ज्योति मारू मैम को कि ज्योति मारू मैम प्लीज, दिस प्लेटफॉर्म इज नाउ योर्स कम्प्लीटली, आप हमारे ग्रो के लिए एकदम तैयार हो जाइए और हमें आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रहमान, थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट सर, वाइस प्रेसिडेंट रहमान, माई फ्रेंड सौरभ, ममता मैम, एंड ऑफकोर्स आई कैन सी अ फ्यू पीपल whom आई नो वेरी वेल, लाइक हार्दिक भाई इज हियर फ्रॉम आर चैप्टर, एंड ऑफकोर्स आई नो अमित भाई सो वेल, हमने बहुत सारा काम साथ में किया हुआ है, चाहे JEN हो चाहे युवालय का काम हो, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ साथ में काम करते आए हैं। और जब ये टॉपिक पे बात आई कि हमें मूड मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी है एंड कुछ अलग से नाम चाहिए, तो मेक द मूड, नाउ इट साउंड्स डिफरेंट, मूड बनाना मतलब क्या, मैनेज करना समझ में आता है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, ये सब समझ में आता है, बट मेक द मूड, नाउ जब बताया तब तो मुझे भी ये लगा था कि अच्छा ना मैं अच्छा लगेगा, एंड देन व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट तो लगा कि यस, ये मेक द मूड रियल में पॉसिबल है क्या। नाउ एंड दिस विल बी एन इंटरेक्शन, वी 16 पीपल विल डिस्कस, हम मूड बनाते बनाते ये सेशन करेंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वैसे तो पूरा माहौल घर से काम करने का चल रहा है, हम रिलैक्स हो गए हैं अभी, वीकेंड उसमें एड ऑन हुआ है, प्लस सैटरडे इवनिंग जब हमारा पूरा प्लानिंग कुछ और होता है, फैमिली के साथ आराम से बैठना, मूवीज देखना या वेब सीरीज को खत्म करना, लेट नाइट तक जगना क्योंकि कल सुबह उठने की कोई टेंशन नहीं है, और वैसे में 1-1.5 घंटे के लिए मूड के बारे में बात करना, अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो वो मूड की वाट लगा दे। सो वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट ए ट्रेनिंग सेशन, बट रियली वी वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड in this light environment, in the light mood, we want to understand what the mood is. Hota kya hai? Karte kya hai? Kya hona chahiye? Kis tarah se hum usse manage kar sakte hai? Kis tarah se hum usse bana sakte hai? So, before I share the screen and we get into the presentation aur kuch points jo batane hai, wo wahan se batau, I want you to tell me, what do you think? Mood kya hai? And unmute karke you can share. Mood is a reflection of attitude. Okay. So it's a reflection of attitude. Okay. It's a state of mind based on which your thought process and the way that you behave with other people, as well as what you think, will be taken up. Okay. So it's a state of mind. Okay. Something else? हम जो काम करना चाहते हैं उसमें 100% हमारी involvement हुए कि हाँ ये करना और दिल से करना है यू।
ओके सो हम जो कुछ करना चाहते हैं उसमें हम कितना इन्वॉल्व होके वो काम करते हैं उसको हम शायद मूड बता सकते हैं. ओके सो क्या ये लग रहा है आपको कि हम मूड बना सकते हैं? कैन वी मेक द मूड? यस यस वी कैन मेक इट मेक द मूड. ओके सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट सौरव हैज राइटली सेड, मूड इज बेसिकली ए स्टेट ऑफ माइंड. कि हम जैसा सोचेंगे, हम जैसे बिहेव करना चाहेंगे और हमारी थॉट प्रोसेस जैसी होगी वैसा हमारा मूड बने. एंड इट्स लाइक हैप्पीनेस. हम चाहे तो हम खुश हो सकते हैं, उसी तरह हम जैसा चाहे वैसा मूड बना सकते हैं. हमें गुस्सा होना हो तो हम प्लान्ड मैनर में गुस्सा कर सकते हैं. हमें खुश होना है तो हम खुश हो सकते हैं. हमें दुखी होना है तो हम दुखी हो सकते हैं. So it's here in the mind. सब चीजें mind में है. और आप सब ने ये experience किया होगा कि in a split of the seconds we can shift from one mood to another. Fraction of seconds and we can change our mood swings. जिसको हम mood swings बोलते हैं. And especially the ladies, they would understand while going through the pregnancy period किस तरह से, मतलब very specifically वो period बहुत अलग type का period होता है और वहां पे मूड स्विंग्स एंड मूड मैनेजमेंट की बातें बहुत ज्यादा होती है कि अच्छे मूड में रहना चाहिए. नॉट ओनली दैट 9 months, आई वुड पुट इट दिस वे, मेन और वुमेन, बच्चे या बड़े, कोई भी हो, मूड को हर तरीके से अगर मैनेज किया जाए, अगर समझा जाए, प्लान किया जाए, बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं अगेन दैट विल बी एन इक्वेशन. मूड इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज इक्वल टू स्टेट ऑफ माइंड. सो इट इज पॉसिबल कि हम हमारे मूड को, रमन जी आप ऐड करते जाएंगे ना. हाँ आई कैन सी पीपल हियर. सो बेसिकली मूड इज एन आउटकम ऑफ एनी एक्शन और रिएक्शन. व्हेन डू यू गेट एंग्री? आपको गुस्सा कब आता है? अपने पसंद की चीज नहीं होगी तो गुस्सा आएगा आदमी को. एग्जैक्टली जब मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, मेरे पसंद की चीजें नहीं हो रही है, जैसा मैंने सोचा था अगर वैसा नहीं हो रहा है, आई फील सैड और आई फील एंग्री. अगर मेरे पास पावर पोजीशन है तो मैं गुस्सा करूंगी. अगर पावर पोजीशन नहीं है तो आई विल फील सैड और अपसेट और डाउन, सैड और डिप्रेस्ड. यस राइट. एट द सेम टाइम हम खुश कब होते हैं? व्हेन वी अचीव समथिंग. When we achieve something, और maybe जब चीजें हमारे हिसाब से होती है. जब चीजें हमारे हिसाब से होती है, जैसा हमने सोचा है वैसे वैसे चीजें हो तो हम खुश होते हैं. So I think खुश होना, गुस्सा होना, दुखी होना, किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना, किसी को hatred, feeling of hatred, ये कहीं ना कहीं या तो कोई action से connected है या तो कोई reaction से connected है. हम जो कोई भी मूड दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारी बातों में, हमारे एक्सप्रेशंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक एक्शन या तो एक रिएक्शन है. एंड इसीलिए हम उसे स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं. या वी कैन से इट एज अ रिएक्शन टू द सर्कमस्टेंसेस और थिंग्स दैट आर हैपनिंग. वेरी ट्रू. क्योंकि शुरू में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगी तो शुरू में एक फ्रस्ट्रेशन आया क्योंकि तब पता नहीं था कि वी कैन स्टिल एंजॉय विद द फैमिली. रिमेंबर दैट फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन. एंड देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, वी स्टार्टेड एकोमोडेटिंग विद इट. फिर हमने वो माहौल बनाया एंड देन हमने कहीं से हमारे ताश के पत्ते निकाले, लूडो निकाला, कैरम बोर्ड निकाला, चेस निकाला, हर वो चीज करते गए जिससे हमें मजा आने लगा था. एंड देन वी स्टार्टेड एंजॉयिंग the bonding in the family. But of course in the first week or first 15 days they were very difficult. Ek dilemma tha, pata nahi tha kya ho raha hai, and wo time pe reactions zyada the. Gradually usme response aane laga. To kahin na kahin mood ko banane ke liye action and reaction dono ko samajhna zaruri hai. Kitne baar aapke sath ye hua hai ki aap raste se ja rahe ho, unknown person ko aap mile, उसके मतलब मिले भी नहीं, देखा उसके, उसको स्माइल किया, एंड व्हाट यू रिसीव बैक? स्माइल. स्माइल.
कभी देखा कि किसी ऑफ कोर्स किसी लड़के ने किसी लड़की के सामने अलग तरीके से स्माइल किया तो बात अलग है, बट नॉर्मली नेचुरली आई कैन सी द नॉटी स्माइल ऑन रहमान्स फेस, बट वो अलग बात है. बट नॉर्मली जब कभी भी हमने किसी के भी सामने स्माइल किया है तो हमने रिसीव किया है वही स्माइल, एंड दैट इज एक्शन वर्सेस रिएक्शन. सो मूड बनाने के लिए हमें रिएक्ट या रिस्पॉन्स चूज करना पड़ेगा. एट टाइम्स वी रिस्पॉन्ड एंड व्हेन वी रिस्पॉन्ड हमारा मूड सही होता है, हम बैलेंस्ड होते हैं, हम कंपोज्ड होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और हम वही तरीके से काम करते हैं. बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में पापा या मम्मी दोनों में से एक ऐसा होगा जो हमेशा से रिस्पॉन्ड करेगा, दोनों ही कम टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि दोनों रिएक्ट करेंगे. अगर पापा रिएक्ट कर रहे हैं तो मम्मी रिस्पॉन्ड करेगी, अगर मम्मी रिएक्ट कर रही है तो पापा रिस्पॉन्ड करेंगे. बट सम दिस विल बी अ बैलेंस एट एन इंडिविजुअल लेवल. ये बहुत जरूरी है कि हम रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्ड को समझें, बिकॉज दैट इज द मेन की फॉर मूड. नाउ मैनेजिंग इमोशन इज नथिंग बट मैनेजिंग अवर स्टेट ऑफ माइंड. बिजनेस में हम काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं शायद बिजनेस या जॉब करते हैं. कैन यू टेल मी अगर आज मीटिंग है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप क्या प्लान करके निकलते हो? उसके लिए प्लानिंग क्या होती है? प्रिपरेशन फाइन. प्लानिंग ये होती है कि हम खुश रहे, हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा हो कि सामने वाले को एनर्जाइज कर दे, वो हमारे बातों को सुन के बोर ना हो और समझे हमारे पॉइंट्स को कि हम क्या समझाना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं. ट्रू. सो बेसिकली इन द माइंड हम ये चीज सेट करते हैं कि मुझे सबसे पहले रिलैक्स रहना है, मैंने जो प्रिपरेशन की है उसे बहुत कूल काम वे में प्रेजेंट करना है और हर बात को मैंने बहुत पॉजिटिवली बताना है ताकि ये डील को क्लोज कर पाए. एंड वी विल इंश्योर कि हम ऐसी कोई भी सिचुएशन में ना पड़े जहां पे हम डिस्टर्ब हो. हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लेट नहीं होना चाहेंगे, हम किसी ऐसे पर्सन से बात करना नहीं चाहेंगे जो हमें कम पसंद हो. नोइंगली अननोइंगली वी प्लान दिस वे. तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को मैनेज करना मतलब हमारे माइंड को सेट करना, हमारे माइंड को मैनेज करना. So once again the same question, do you think के क्या आप अपने emotions को या अपने mood को control कर सकते हो? Can you? Yes. Can you control? We can manage. Exactly. We cannot control. It is not possible to control any emotion. यहाँ पे बैठे हर वो person मतलब एवरीबडी हु आर सिटिंग हियर दे वुड अग्री विद दिस. हमें गुस्सा आता है, हमें रोना आता है, हमें प्यार होता है, हमें नफरत होती है, हमें खुशी आती है, हमें बहुत जोरों से हंसना होता है, कभी कभी बहुत जोरों से रोना भी होता है. ऑल दिस इज पॉसिबल एंड इट कम्स नेचुरली. डर भी लगता है, स्ट्रेस होता है, वरी होती है, एंग्जाइटी होती है, ऑल दीज हैपन्स. और कोई ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा कि इसमें से कोई भी इमोशन मुझे फील नहीं होता. इज देयर एनीबॉडी हु कैन से दिस? है कोई ऐसा जिसको इसमें से कोई इमोशंस होते ही ना हो? मैम थोड़ा सा जेंडर बेस्ड होता है कि मेल में थोड़ा इमोशनल कम होते हैं, मेल फीमेल थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती है, बाकी मोर ऑर लेस इमोशंस तो सब में रहते ही है. ओके सो Yes, yes, Rehman ji. थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि इमोशन इट्स नॉट अबाउट जेंडर वाइज नहीं कह सकते, उनके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, उनके एटमोसफियर के ऊपर भी डिपेंड करता है. सॉरी मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज माई एक्सपीरियंस जो है मेरे घर पे, मेरी ऑफिस में, मेरे फ्रेंड्स में. तो मेरे फ्रेंड्स इतने ज्यादा इमोशनल नहीं जितना ज्यादा मैं हूँ.
और मेरे घर पे जितने ज्यादा इमोशनल होते उतना मैं नहीं हूँ. सो ओके एनवायरमेंट भी आई थिंक के डिपेंड करता है. आई वुड पुट इट दिस वे लिटिल डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस. हमारे सब में इमोशंस फीलिंग्स लेवल ऑफ फीलिंग्स रिमेन्स सेम. ऐसा बोल ही नहीं सकते कि एक एक पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना क्वांटिटी अगर क्वांटिफाई कर सकते तो सबका क्वांटिटी सेम आता प्यार करने का. व्हाट इज डिफरेंट व्हाट अमित जी वाज सेइंग या रहमान वाज सेइंग वाज द एक्सप्रेशन डिफर्स. कितना एक्सप्रेस करते हैं उसका मेजरमेंट प्लस माइनस होता है. कोई कम एक्सप्रेस करता है कोई ज्यादा एक्सप्रेस करता है. बट कहीं ना कहीं हर पर्सन वी आर ट्वेंटी पीपल राइट नाउ. हम 20 लोग और हम जितने लोगों को पहचानते हैं हर वो पर्सन इक्वल क्वांटिटी में इमोशन फील करता ही है. मूड स्विंग्स होते ही है. अगर आपने एक्सीडेंट देखा तो आपको एम्पैथेटिक फील होगा आपको दुख होगा और उसकी क्वांटिटी मोटा मोटी सेम ही रहेगी. बट द वे ऑफ लुकिंग एट दैट सिचुएशन उसको एक्सेप्ट करना और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफर होगी. तो अगर इफ इट इज वेरी क्लोज टू मी मेरा एक्सप्रेशन ज्यादा होगा. इफ इट इज नॉट वेरी क्लोज टू मी एक्सप्रेशन थोड़ा कम होगा. बट व्हाट वी आर मेकिंग ए पॉइंट हियर इज वी कैन नॉट कंट्रोल. कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता. बहुत सारी बार ऐसे ट्रेनिंग टॉपिक्स आते हैं सेशंस होते हैं कंट्रोल योर एंगर. Not possible. You cannot and one should not. Any control, कहीं पे भी जब हम control लगाते हैं तो वो spring की जैसी बात है. इसको जितना दबा के रखा उतने time तक वो दब के रहेगा. But फिर double the force, it will bounce back. And that's why same is the case with emotions. हम छोटे बच्चे को भी क्यों बोलते हैं कि उसको करने दो जो करना है. When it comes to professional environment, giving empowerment, delegation is nothing but managing people. वरना हम कंट्रोल करके रखेंगे तो वन डे दे विल वो बाउंस बैक होगा और वो बर्स्ट हो जाएगा. सो डेफिनेटली वी कैन मेक एंड मैनेज बोथ मूड एंड इमोशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स कि क्या क्या होता है. मतलब इफ आई आस्क यू व्हेन यू आर हैप्पी तो आप कैसा फील करते हो. तो यहाँ पे कुछ लिखा है आप कूल होते हो काम होते हो क्योरफुल होते हो. You feel confident when you are happy. We feel energetic. These are the adjectives. But these are the emotions too. जब कोई हमें मतलब it's like मामा ने जब हमें hug किया होगा या जिससे हम प्यार करते हैं उसने हमें कस को पकड़ा होगा. We feel that happy moment. We feel satisfied. अच्छा program करने के बाद अगर if you are happy you feel satisfied. टाइम्स हम हमारे फीलिंग्स को गेज नहीं कर पा रहे हैं. हमारी फीलिंग्स में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हम खुश हैं क्या हम दुखी हैं. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. इसको अगर हम फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम खुश हैं. वी नीड टू आइडेंटिफाई अवर मूड्स. वी नीड टू आइडेंटिफाई क्योंकि इसके बाद जो स्लाइड आने वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किस तरह से हम मूड को बनाएंगे. तो अगर ये एडजेक्टिव्स हमें पता है ऑल द मदर्स और ऑल द पेरेंट्स दे वुड अग्री विद मी कि जब बच्चे पास होते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं तो यू फील प्राउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर हैप्पी. कभी कभी छोटे बच्चे जो छोटी छोटी गलती करते हैं और वो गलती में हमें मजा आता है. वी फील दीज आर सिली थिंग्स स्टूपिड थिंग्स बट At the core, we are feeling happy because they are learning. Same is the case with new joinees. जब वो नए freshers होते हैं, वो एक step आगे लेते हैं, कुछ responsibility लेते हैं, काम करने की चाह दिखाते हैं, और फिर कहीं पे अटक जाते हैं और आके बोलते हैं कि सर ये मेरे से नहीं हो रहा है. हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है. But at the core, if we are true people, if we are true leader, हम खुश होते हैं कि yes, that initiative has been taken. So, ये bifurcation बहुत जरूरी है. Sad, now these are the objectives. When we are sad, we feel these emotions. So, we feel unhappy,
हम खुद को पीछे कर देते हैं, दो स्टेप पीछे चले जाते हैं, हर्ट फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, मिजरेबल, वाई विथ मी ओनली. जैसे अमित जी ने बताया कि ज्यादातर मैं उससे अग्री नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी लड़के कम इमोशनल होते हैं, लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती है, लड़कियां ज्यादा शो करती हैं कि दे आर इमोशनल. एक्चुअली द मेल्स, दैट व्हाट द रेशियो एंड द साइकोलॉजी सेज, मेल आर मोर इमोशनल बट दे शो कम, वो कम दिखाते हैं. बट दीज इमोशंस अगर आप इवेल्युएट करोगे ना, तो यू विल सी कि हाँ, दीज इमोशंस, जब ये इमोशंस हमारे अंदर होते हैं तो हम इस तरह का मूड हमारा होता है. सेम इज द केस विथ एंग्री. नाउ ये तो समझ में आ जाता है, दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल है. वट इज कॉम्प्लेक्स इज दिस. सो आई वॉन्ट टू नो, ऐसा कब हुआ हो कि जब आप खुश भी हो और दुखी भी हो, मिक्स फीलिंग. When you are happy, at the same time you are sad too. Maybe जब शायद हमारे लिए अच्छा हो और हमारे किसी loved ones के लिए अच्छा ना हो, या फिर maybe हमारे scores अच्छे आए हो और हमारे friend के ना आए हो, best friend के. Okay. So जब हमारे marks बहुत अच्छे आए और हमारे friends के marks इतने अच्छे नहीं आते. हाँ, maybe something like that. Okay. Something else. मिक्स ऑलवेज होता ही है, हमेशा ही होता है, अब तो ज्यादा ही होता है. हाँ, अभी तो ज्यादा ही. हाँ, कोई क्लाइंट ने कॉल किया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अगेन एक डाउट आ जाता है कि ये क्रैक कर भी पाएंगे कि नहीं, वो लेंगे या नहीं, कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं. क्रैक करना तो दूर की बात है. सो दैट्स अ मिक्स फीलिंग कि भाई क्या होने वाला, इट्स लाइक कंफ्यूजिंग कंप्लीटली. या सो देयर आर फ्यू कॉमन फीलिंग्स, लाइक जब बच्चा पैदा होता है, ट्रिमेंडस पेन, एट द सेम टाइम हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. लड़की की विदाई, टू मच ऑफ ए पेन एंड अ सैडनेस, एंड यू फील लोनली एंड थोड़ा डाउन फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर हैप्पीनेस. आपका सैटिस्फैक्शन होता है, यू फील कंटेंटेड बिकॉज यू हैव फुलफिल्ड वन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी वहां पे खत्म हो रही है, आपकी बेटी कहीं अच्छी जगह पे आप उसकी शादी करवा रहे हो. एंड एट द सेम टाइम व्हेन देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स, वी फील वी आर अफ्रेड, वी आर एंग्शियस, एट टाइम्स वी आर क्यूरियस एंड कंफ्यूज. ये जो अदर फीलिंग्स है ना, वो कॉम्बिनेशन में होती है. जब बेटा बड़ा हो जाता है एंड ऑफिस, पापा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, एंड इट इज द फर्स्ट डे, द मिक्स्ड फीलिंग इन द माइंड ऑफ ए फादर, क्या वो अच्छे से कर पाएगा. At the same time, happy that yes, he is taking over. अब वो मेरे साथ काम करेगा, and of late he will take care of this company. These mixed feelings are dangerous. यहाँ पे बैलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मूड का ठिकाना नहीं होता. So बह गए तो बह गए, रह गए तो रह गए, वो सिचुएशन आ जाती है. और that's why हमें हमारे इमोशंस की और मूड की स्विच को ऑन ऑफ करते रहना चाहिए. वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम इन लाइफ. अगर हैप्पीनेस का टेस्ट करना है तो कहीं ना कहीं सैडनेस को भी फील करना पड़ेगा. लोगों के साथ एक होके रहने में, मतलब सबके साथ होने की मजा तभी पता चलेगी जब हम अकेले कहीं ना कहीं रहे हैं. सो व्हेन डिड यू लास्ट चार्ज योर हैप्पी मूड? आपने अपने मूड को हैप्पी बनाने के लिए चार्जिंग पॉइंट कब लगाया था लास्ट में? प्लग, हम फोन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम चार्जिंग में लगाते हैं, तो मूड को चार्ज करने के लिए लास्ट में कब आपने प्लग इन किया था? गोइंग फॉर अ ट्रिप, कल रात को 8 बजे. कल रात को 8 बजे, ओके, वी गो फॉर अ ट्रिप, वेकेशन. और ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें प्लग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमें अच्छा खाना मिल जाए, हम हमारे मूड को हैप्पी कर सकते हैं. हमें अच्छे मूवीज देखने मिल जाएं, हमें जो लोग पसंद है उनका ग्रुप मिल जाए, पेरेंट्स के पास से अप्रिसिएशन या बॉस से अप्रिसिएशन मिल जाए,
small, small things. When there these small things happen with us, हमारी battery charge होती है. And we have to ensure कि जो आपको extreme right में दिख रहा है ना, हमारी smile जब जब भी छोटी होती है तो हमें उसके ऊपर watch रखना है. उसको completely drain होने देना नहीं है. उस जब हमें पता चले कि हम 50% या उससे कम पोर्शन में हैं, तो ऑटोमेटिकली स्विच को ऑन करना है. एंड कोर आइडिया जो हमारे एरियाज हैं, हमने जो आइडेंटिफाई करे हैं, वो एरिया से हमें वो हैप्पीनेस को वापस ऐड करना है, ताकि हम हमारे मूड को बैलेंस कर सके. नॉट ओनली हैप्पी कर सके, उसे बैलेंस कर सके. बैलेंस करना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो This is very important. पूरे session का अगर कोई बोले कि एक slide if you want to tell me, तो this is the slide which I focus more on. हम दो मिनट के लिए mood को भूल जाते हैं, time management पे आते हैं. तो can we prepare this kind of a chart when it comes to time management? Do we prepare this? Time management में बहुत सारी बार हमने ये देखा है, टास्क और उसके बाजू में हम टाइम लिखते हैं. डू वी डू दिस? यस नो? यस वी डू ओकेजनली, एंड समटाइम्स व्हेन वी हैव अ हेक्टिक वीक वी डू यूज अ कैलेंडर और एनी अदर. राइट राइट. सो हम डेट, टाइम, सारे टास्क में क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, सब चीजें कभी कभी लिखते हैं जब वो बहुत हेक्टिक या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट we have to add one more column to that list जो हम time table बनाते हैं ना, उसमें उसके बाजू में ये mood का column add करना है. For example, starting from exams, बच्चों के exams 10th 12th, अभी तो हालांकि वो बंद हो गए, but अगर होते तो वहां पे किस तरह के mood की requirement होती. We need to plan our mood. हमारा mood plan करना मतलब हमें जिस तरह के मूड की रिक्वायरमेंट है उस तरह का प्रीवियस उसके आगे के टाइम में काम करना. एज आई सेड, इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग इज अ टास्क. तो हमने प्लानिंग तो कर दी, कितने बजे पहुंचना है, क्या एक्सप्लेन करना है, पीपीटी बना दिया, ब्रोशर मटेरियल सब रेडी है. बट हम जो सॉफ्ट स्किल की बात है, जब मूड की बात आती है, इमोशंस फीलिंग की बात आती है, because when we have to crack a big deal, हम सबसे ज्यादा nervous होते हैं. Now, need of the hour क्या है, वो time पे कौन से mood की जरूरत है हमें? Relax. Which mood? Relax. Now, when we say relax means happy? Yes. Right? Happy, confident. Confident. We should be relaxed. We should be confident. We should be secured and calm. Yes. ये कब होगा? जब हम प्रिपेयर्ड होंगे. सो मैंने अगर टास्क लिखा है कि मुझे मंडे मॉर्निंग को क्लाइंट विजिट पे जाना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, फाइनल मीटिंग है, सो आई हैव टू प्लान माय मॉर्निंग फॉर दैट. आई हैव टू गेट अप अर्ली. इट इज टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज मूड मैनेजमेंट. उठ के मुझे किसी भी पर्सन के साथ कोई भी चीज के लिए डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट नहीं करना है टिल आई कंप्लीट माय मीटिंग. मुझे प्री डिफाइंड चीजें करनी है, क्या पहनना है, लाइक बिकॉज आवर कॉस्ट्यूम मैटर्स द मोस्ट. हमारे कपड़े बहुत मैटर करते हैं कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, हमारे मूड के साथ वो कनेक्टेड होते हैं. सो पूरा अगर प्लानिंग करा हुआ है तो हमें हमारा मूड कैसा रखना है उसका प्लानिंग करना जरूरी है. सेम इज द केस लाइक शादी में जाना है, व्हाट काइंड ऑफ ए मूड इज रिक्वायर्ड? Happy, excited, happy, joyous. Excited, joyous. Sad feel करके नहीं जा सकते शादी में, upset feel करके नहीं जा सकते, गुस्सा होके नहीं जा सकते. Now these are important things. At the same time, किसी को अस्पताल में मिलने जाने. These are small examples, simple example. But जब आपके task बहुत difficult होते हैं, तब हमें mood को manage करने की जरूरत बहुत पड़ती है. किसी के भी किसी को मिलने हम जब अस्पताल में जाते हैं, कैन वी लाफ अलाउड? जोर से हंस सकते हैं क्या? नहीं. इवन स्माइल विल नॉट वर्क एट टाइम्स.
वो अगर क्योंकि ये हम रोज करते हैं तो हमें पता है कि ऐसा नहीं करना है, बट बच्चे जो गलतियां करते हैं कभी कभी पता नहीं होता है उन्हें कि यहाँ पे ये बात करी जाती है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि नहीं. सेम इज द केस विद अवर टास्क. तो हम ऐसे कौन से टास्क है जहां पे आपको लग रहा है कि मूड को मैनेज करने की जरूरत है, मतलब प्लान करने की जरूरत. व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क और एनी अदर मीटिंग, एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग्स. नंबर टू, व्हेन वी आर गोइंग टू मीट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. नंबर थ्री, व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. नंबर फोर, जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, इट साउंड्स फनी बट वहां पे भी बहुत जरूरी होता है कि हम बैलेंस ऑफ माइंड से जाएं. सो इफ आई हैव टू कंक्लूड, जब कभी भी हमें डिसीजन लेना है, जहां कहीं पे भी हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है, वहां पे हमें मूड को डिफाइन करे हुए फॉर्मेट में रखना जरूरी. जहां पे रैशनल लॉजिकल थिंकिंग की बात आती है, वहां पे मूड को मैनेज करना जरूरी. द रेस्ट ऑफ द टाइम, पर्सनल टाइम पे मूड चलेगा प्लस माइनस, बट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट के टाइम पे हम ये कर सकते हैं कि इस तरह का शुरू शुरू में टेबल बनाए, वहां पे हम ये मूड जो हमने आगे देखा, ये इमोशंस को लिखे, ये एडजेक्टिव्स को वहां पे लिखे कि मुझे ये काम करने में कैसे फीलिंग की जरूरत पड़ेगी. इट साउंड्स फनी, कोई बोले कि आपको लिखना है कि मुझे रोटी बनाते टाइम, बनाने के टाइम पे लाउड फील होना चाहिए, या तो इफ आई एम कुकिंग लाइक पिज्जा बना रहे हैं तो आई शुड फील एक्साइटेड. दैट इमोशन विल गो टू द फूड एंड इट विल गो टू द पर्सन. फूड डायरेक्टली रिलेट हो रहा है इसीलिए, बट सेम इज द केस विद कम्युनिकेशन. If I'm feeling happy and if I speak and converse with the other person will also enjoy the communication. So, empathy और ये सारे ही feelings को हमें यहाँ पे define करना है. अभी कोई बोलेगा कि sad होना कैसे लिख सकते हैं? Can anybody tell me that is there any task where you should feel sad and then do that task? दुखी फील होके वो काम करना. टॉकिंग विद समवन हु इज ग्रीविंग बिकॉज़ ऑफ सम लव्ड वन पासिंग अवे. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पथाइजिंग विद पर्सन और सिंपथाइजिंग एट टाइम्स, जब हमें वो एम्पथाइज करना है किसी के साथ, सिंपथी शो करनी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम सही तभी तालमेल बिठा पाएंगे हमारी बातों का और हमारे मूड का जब हमने वो फील किया होगा. सो इफ वी डिसाइड दिस टास्क एंड उसके सामने अगर हम मूड लिखे कि सुबह शाम और सुबह दोपहर और शाम को मंडे ट्यूजडे वेनसडे एंड इफ वी चार्ट आउट इन द बिगिनिंग, आई थिंक इट विल हेल्प अस टू ए ग्रेट एक्सटेंट. मैंने किया हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड. And when we write that I want to be relaxed, I actually can relax. And there is a difference between satisfaction and relax. But mood is happy. So exact emotions, ये जो sheet है, ये जो titles हैं, इससे मिलते हैं. ये emotions हैं, ये feelings हैं. और उसके ऊपर से जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, वो तीन या चार main mood हमारे बनते हैं. तो बेसिकली इट्स अ रूबिक क्यूब. हमारा मूड बनाना मतलब हमारे रूबिक क्यूब को सही करना. अगर हमारा रूबिक क्यूब सही है, मतलब ऑल साइड्स आर राइट, देन ओनली इट इज अ परफेक्टली सॉल्व्ड रूबिक क्यूब. सो थॉट्स, मूड एंड इमोशंस, इफ दे आर इन अलाइनमेंट, रूबिक क्यूब सही है. अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव है, हमारे इमोशंस पॉजिटिव है, ऑटोमेटिकली द मूड विल बी पॉजिटिव. बट थॉट्स कहीं पे अलग जगह पे नेगेटिव चल रहे हैं, या हम गॉसिप में है, किसी का सरकाज्म कर रहे हैं, इमोशंस कुछ और बोल रहे हैं, तो मूड को पता नहीं है कि किस तरह से बिहेव करना. एंड वी ऑलवेज बर्स्ट आउट. जब कभी भी हमने बर्स्ट किया है,
जब कभी भी हमने सही डिसीजन नहीं लिया है, कहीं ना कहीं थॉट्स एंड इमोशंस के बीच में तालमेल नहीं रहा. माइंड एंड हार्ट, हेड एंड हार्ट के बीच में जब कनेक्शन टूटती है तो माइंड को सफर, मूड को सफर करना पड़ता है. सो समबडी सेड ना, जो हम चाहते हैं वो अगर हो रहा है तो हम खुश हैं. माइंड से जो सोचा है वही मिल रहा है तो दिल खुश है, मीन्स वी आर हैप्पी. और अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो ये रूबिक सही नहीं हो रहा है, और जैसे ही वो रूबिक सही नहीं हो रहा है तो वो पिक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, वो स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है. सो वी नीड टू फोकस ऑन ऑल थ्री, थॉट्स, मूड एंड इमोशन. अगर उसका तालमेल अच्छे से रख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे डिसीजंस सही होंगे. दिन में दोनों टाइप के मूड होते हैं, अच्छा मूड, बुरा मूड. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, आज कुछ मजा नहीं है. सुबह उठ के, मतलब आप अच्छे से सोए हो बट जब उठ रहे हो सुबह तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मजा नहीं है आज. ऐसा हुआ है कभी? हुआ है. एंड इमेजिन द एंटायर डे, ऐसा जब कभी भी हुआ हो, वो पूरा दिन आपका कैसा गया है? मोटा मोटी डाउन डाउन, बैड. यस, बैड, मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा उस दिन. बट देन इन द मॉर्निंग यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एनर्जेटिक, आपको लग रहा है कि यस आज मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी, ज्यादातर आपने वो हर चीज की होगी जो आप कितने भी टाइम से नहीं कर पा रहे होगे. सो जब कभी भी हमें पता होता है कि हमारा मूड कैसा है तो स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए. फ्रॉम दैट मूड वी नीड टू स्विच, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसी ऑफ गुड एंड बैड मूड इज वी डोंट, व्हेन वी आर इन अ गुड मूड वी टेक डिसीजन, वी आर वेरी फोकस्ड, वी कैन सेट द प्रायोरिटी. हमारा ऑब्जेक्टिव और पर्पस हमारे सामने बहुत क्लियर होता है. मंडे इज जनरली आर वेरी गुड डेज. ज्यादातर मंडे को आप जो भी प्लानिंग करते हो ना, वो बहुत अच्छे से आप उसको फुलफिल कर सकते हो. ज्यादातर लोगों के मंडे बिगड़े नहीं होंगे क्योंकि हमें रेस्ट मिलता है. संडे को हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं हमारी लाइफ को, रिलैक्स होते हैं. एंड व्हेन वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, यस आई वांट टू डू दिस थिंग्स, वो वाला फीलिंग हमें आता है. वी फील कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड फ्री व्हेन वी आर इन गुड मूड. बट व्हेन वी आर नॉट इन गुड मूड, वी डोंट टेक डिसीजन, वी बिकम इनडिसिसिव, या हम गलत डिसीजन लेते हैं. हमारा फोकस शेक हो जाता है, प्रायोरिटी भी फिक्स नहीं होती है. हम हैफिजाडली काम करना शुरू करते हैं, नॉट ओनली हैफिजाडली, आधा आधा काम करते हैं क्योंकि हमें खत्म करना होता है. बट वो खत्म करने की फटाफट जो चाह होती है उसमें हम आधे आधे काम को छोड़ देते हैं. ऑब्जेक्टिव पर्पज जैसा कुछ होता ही नहीं है, जैसे याद आया हमने कर दिया. दीज आर हैफिजाड मूड, दीज आर नॉट गुड मूड्स. तो पेन फील होता है, सॉरो फील होता है, बहुत करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं किया है. जब कभी भी ये होता है तो वी नीड टू टेक अ पॉज. एंड हमें वो रियलाइज होता है बट हम हमारे माइंड से पे हावी हो जाता है, हमारा माइंड हम पे, तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी नीड टू टेक पॉज. एंड व्हेन वी नीड टू टेक पॉज मीन्स ब्रेक दैट चेन, वो काम को छोड़ दो. एक पूरा ग्लास पानी का पियो. ये बहुत सिंपल लगेगा बट अ ग्लास ऑफ वाटर कैन चेंज द मूड इमीडिएटली. गुस्सा आता है तो पानी क्यों पीते हैं? सो दैट वी कूल डाउन. जब बहुत रोना आता है, सैड फील होता है, डाउन फील होता है, एक नींबू पानी पीना चाहिए क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकली हमारा बीपी लो होता है व्हेन वी आर फीलिंग डाउन. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ग्लास जो नींबू पानी का एक ग्लास होता है वो हमारी एनर्जी को चार्ज करता है एंड वी फील कंपैरेटिवली बेटर देन व्हाट वी वर फीलिंग बिफोर. सो एवरेज डे को गुड मूड बनाने के लिए कुछ चीजें होती है. यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव्स देखे होंगे कोडेक के या निकॉन के. कैमरा रोल्स 36 आते थे पहले, हमारे पास जिस तरह के स्मार्टफोन है वैसे नहीं थे कि जितने मर्जी आए फोटो निकाल लो. लिमिटेड फोटो थे और हम सोचते थे बचा के वो रोल्स रखते थे कि कहीं पीछे का सीन बहुत ज्यादा अच्छा ना हो ताकि वो मिस ना हो जाए, तो हम बचा के रखते. आधे से ज्यादा फोटो
वो आउट ऑफ फोकस हो जाते थे. हाँ, प्रिंट हाँ. कराने के बाद पता चलता था कि आउट ऑफ फोकस हो, आउट ऑफ फोकस हो गए. सो और मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल और पिकनिक में गए थे तो वो रोल्स फिक्स थे और कैम फोटोग्राफ्स फिक्स थे, तो बचा बचा के रखना, फिर उसके नेगेटिव्स देना एंड नेगेटिव्स को डेवलप करवाना. आई थिंक बैड मूड्स जब होते हैं, बैड मूड इज द डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप. इन अ वे वो पॉजिटिव चीज है, बट जब हम मूड हमारा सही नहीं है, वन नेगेटिव थिंग विल लीड टू द नेक्स्ट नेगेटिव थिंग. और आगे देखेंगे कि किस तरह से एक चेन, एक नेगेटिविटी की चेन पूरे दिन पूरे वीक को नेगेटिव बनाती है. तो वी हैव द मोमेंट वी गेट टू नो दैट वी आर गेटिंग इनटू दिस डार्क रूम, हमें लाइट ऑन करनी है. एंड लाइट ऑन इज कॉलिंग समबडी हुम यू लव, बिकॉज दैट पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू चेंज योर. हम ज्यादातर ये नहीं करते हैं, व्हेन वी फील बैड, व्हेन वी फील डाउन, हम किसी से बात करना छोड़ देते हैं. आई थिंक that's the right, that is the time where we need somebody to hold ourselves. And believe me friends, jabhi bhi aap ek call karoge na, when you are not feeling right and you call one person, right person of course, to wo banda aapko definitely, that person will help you. And after talking with that person, ab chahe aapke problems ki baat karo ya na karo, but you will find a solution. So one was drinking a glass of water or a lemon juice. Another is talking to a person whom you love. At times, let go. We can't control everything. हमारे mood swings इसलिए भी होते हैं कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है, जो हमने सोचा है वो नहीं हो रहा है. So we have to let go things. And this is a wonderful quote. God give me the strength to change what I can. Strength to accept what I cannot. This is more important than the first. And the last is more, the most important thing, the wisdom to understand the difference between. There are things we can change. There are things we can't. And when I can't do anything about it, I have to leave it. Leaving things, letting it go is extremely important. And mood ko maintain rakhne ke liye, let go bahut zyada zaroori. I understand that it involves risk. Jab hum kuch jaane dete hain, hum chhod dein, jaise बच्चे जब जिद करते हैं तो पेरेंट्स कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, दैट इन्वॉल्व्स रिस्क. बट हमें वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, क्या छोड़ना और किसको पकड़ के रखना. नाउ दैट इज द बैलेंस ऑफ माइंड. इट कम्स विथ एक्सपीरियंस, इट कम्स विथ अवर सराउंडिंग, इट कम्स विथ एनवायरमेंट वी आर ब्रॉट अप, बट और हमारे आजू बाजू में कैसे लोग हैं, उन सबसे ये चीज आती है. बट लेट गो करना हमें वो प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा. इसका कोई रूल या इसका कोई थ्योरी नहीं है, इट इज करना पड़ेगा. इट्स लाइक फिजियोथेरेपी. शुरू में जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी वहां पे मसल्स हमारे जाम हो गए हैं, लिगामेंट्स में ब्रेक है, और हम जब फिजियो के लिए जाते हैं तो हमें वो पेन ज्यादा सहना पड़ता है. बट वो इनिशियल पेन ग्रेजुअली विल हेल्प अस टू हील. या तो हम एक्सरसाइज की बात कर लें या डाइटिंग की बात कर लें, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट हमें करना है, फोकस्ड वे में उसको करना है, ग्रेजुअली वी विल सी द रिजल्ट. सेम इज द केस विद मूड. हमें पता है कि मेरा मूड सही नहीं है, एंड इनिशियली आई हैव टू फेक इट, आई हैव टू फील दैट आई एम फीलिंग हैप्पी, एंड यू ग्रेजुअली विल बिकम हैप्पी. सो ये सारे जो डर हैं वो भी कभी कभी हमारे मूड को शेक कर देते हैं. फियर ऑफ फेलियर. एंग्शियस क्यों होते हैं हम, लाइक स्टेज फियर, ये क्यों होता है? बिकॉज वी हैव अ फियर ऑफ फेलियर और एक्सपोजर और एम्बेरसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट. हम बात क्यों नहीं कर रहे, कन्फ्रंट क्यों नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों बता नहीं रहे. वी फील स्ट्रेस्ड बिकॉज हम हमारे तक ही वो बात रख रहे हैं. वी आर नॉट शेयरिंग, वी आर नॉट एक्सचेंजिंग. हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये आदत है कि अगर आपको कुछ चीज सही नहीं लगी तो आप वो पर्सन से जाके बात कर लें. हाउ मेनी ऑफ अस वी डू दिस. एंड सॉर्ट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉक टू द पर्सन दैट यू हैव नॉट लाइक्ड,
या आपके आपके ओपिनियन अलग है, तो आपके उसको आपसे क्या फर्क पड़ता है उसके बाद? मैम इसमें दो तरह के लोग होते, पहली बात तो द वंस हु आर क्लोज टू यू दे एक्नॉलेज दैट दे एक्सेप्ट यस आई अंडरस्टैंड व्हाई यू फेल्ट दिस एंड देन यू आल्सो फील कि यस सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है सो यू आल्सो फील काम यस ही और शी अंडरस्टैंड्स राइट नाउ और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा एंड बोथ ऑफ यू देन काम डाउन इफ इट इज विथ अनदर पर्सन विच होम विथ यू आर नॉट फेमिलियर विद लेट्स से maybe a colleague in your office or any client or anyone which you did not like how the way he talked. Sometimes it may feel like that it is just in vain that you are doing. And you might also, after even after saying, you might feel like, ye to kyun bola, zaroor nahi tha, samne wale ko farak nahi padta. So both the emotions are there. Okay. So when we know the person, when we are close to the person, and when we confront, yeah, when we share, after that we feel relaxed. हमें वो anxiety नहीं होती है, कुछ time के बाद हम normal हो जाते हैं. जब हम person को पहचानते नहीं है तभी भी हम relax actually हो जाते हैं. But एक अलग thought होता है कि नहीं भी बोला होता तो चलता, but we feel relaxed. Now at times we cannot share these things. Now when the seniors are there, हमारे superior होते हैं, हमारे boss होते हैं, या हम कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलते हैं, तो वहां पे हम कन्फ्रंट नहीं कर सकते और वहां पे ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है. तो आई पुट इट दिस वे, ए नैप कैन हेल्प एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब कभी भी आप कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो, जब कभी भी आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, सो जाना 15-20-25 मिनट के लिए उसके, अगर वो पॉसिबल है तो दैट कैन हेल्प यू. मैंने बहुत सारी बार ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब कभी भी मैं बहुत गुस्सा हूँ एंड इफ आई स्लीप फॉर हाफ एन आवर, आफ्टर दैट वो गुस्सा बहुत कम हो जाता है. शायद मुझे मेरी गलती समझ में आ जाती है एंड आई गो एंड से सॉरी. तो इट्स ऑलवेज हेल्प्स अस बिकॉज सबकॉन्शियसली द एंटायर डिस्कशन विल टेक प्लेस वंस अगेन इन द माइंड एंड इट विल इवैल्यूएट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हु इज राइट हु इज रॉन्ग चल रहा होता है, बट जब हम अनकॉन्शियसली वो प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है तो वहां पे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग की एक डिस्कशन चल रही होती है एंड इट कैन गिव अस द रिजल्ट. सो ये फियर्स को से ऊपर आना पड़ेगा जब कभी भी मूड को मैनेज करना है तो. सो विथ पेशेंस इट विल टेक टाइम. ऑटोमेटिक फ्रॉम टुमारो इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम सही जगह पे सही पैच लगा देंगे, वो जिग्सो सीधा फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है बिकॉज मुझे मेरे इमोशंस तो पता होने चाहिए. एम आई फीलिंग हैप्पी, एम आई फीलिंग सैड, एम आई फीलिंग रिलैक्स, वट एम आई फीलिंग एट टाइम्स. इफ आई आस्क यू हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, अभी कैसा फील कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ आर यू फीलिंग? Satisfaction as well as being excited to learn something new, satisfied that my time is very well utilized and I can apply this knowledge further. Okay. Somebody else? Surprised. At this point of time. Surprised. कि मैं बहुत सारी मतलब बहुत बातें जो लोगों को कहता हूँ मैं काफी जगह सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ. एक्साइटमेंट okay. एक जो होती है ना कि यस और कौन कौन सी बातें सही होने वाली है, तो वो जानने की एक्साइटमेंट राइट नाउ इज देयर. सो टू थिंग राइट नाउ अभी मेरे साथ है. ओके समबडी एल्स, वी आर राइट नाउ 13, दो तीन जन ही बोल रहे हैं और ममता जी, ममता जी बोलिए. विशाल जी कैन आल्सो शेयर. Yes, Vishal ji also can say. Renu. Renu ji, Renu Agarwal. KP. How are you feeling at this point of time? आपका mood कैसा है? It's neutral. It's neutral. Now, what do we mean by neutral? So, it's not good also, and it's not bad also. Okay. So, what I mean to say is that mood can be a neutral. As through the process of understanding the
mood, sequence of mood. Exactly. I can say the emotions of mood. So in that case, we feel that अरे यार कभी ये लगता है कि यार ये mood अच्छा नहीं है. मतलब ये जैसे जैसे ये session चलता गया तब मेरे को जो feel हुआ वो मैं बता रहा हूँ कि यार ये तो बात सही है कि कभी मूड खराब होता है तो ये होता है, कभी मूड अच्छा होता है तो ये होता है. तो जो बैलेंसिंग होना चाहिए मूड का, जो बैलेंसिंग होने चाहिए इमोशंस मूड के अंदर का, वो कंट्रोल करना जरूरी रहता है. हालांकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये एज ए फर्स्ट वेरी सेकेंड और थर्ड स्लाइड में बताया गया ऐसे उसको थोड़ा अमेंडमेंट कर सकते हैं. जी so, ये तब भी होता है कि जब हमें हमें अवेयरनेस है, when we know that in which mood we are right now, तब वो अमेंडमेंट पॉसिबल है, तब वो चेंज पॉसिबल है. एंड फॉर दैट वी हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्फ. ज्यादातर जब कभी भी हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तभी हम हेफेजार्ड थॉट प्रोसेस में जाते हैं. When we are sure of things, when we know ourselves, our capabilities, तो हमारे लिए वो सिंपल हो जाता है थोड़ा कि हम डिफिकल्ट सिचुएशन को कुछ टाइम में हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं. नॉट इमीजिएटली बट इन सम टाइम वी विल बी इन अ पोजिशन टू टेक द कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन. वी विल टेक चार्ज ऑफ दैट सिचुएशन. एंड वंस वी आर इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन वी बिकम प्रोडक्टिव. सो मूड मैनेजमेंट या मेकिंग द मूड का एक पॉइंट ये भी है कि हमें हमारे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मूड को सेट करना पड़ेगा. व्हाट प्रोडक्टिविटी आई एम लुकिंग एट, मुझे क्या काम करना है. जैसे बहुत ज्यादा काम होता है उस दिन पे हम ज्यादा मीटिंग्स नहीं रखते हैं, उस दिन पे हम ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं, उस दिन पे हम ऐसी कोई भी चीज नहीं करते हैं जिसको हम पोस्टपोन कर सकते. We focus more on the main task. जैसे घर में ज्यादा लोग खाना खाने वाले हैं आज. So the entire focus, we would want to become more productive and हम पूरा focus, concentration एक ही task पे करते हैं. And we don't deviate in that situation from the mood and the emotions. Exam के time पे क्यों हम पूरी रात पढ़ सकते हैं? या तो JCs में जब कभी भी हम कोई training program में जाते हैं, नर्मदा हो गया, नालंदा हो गया, NDDS हो गया, Why can we मतलब पूरी रात जाग कैसे सकते हैं? कोई अगर अभी बोले कि अब 2 बजे तक सेशन चलेगा, एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. और हमारा एक्चुअली फोकस चेंज हो जाता है. हमने वो मूड या माइंडसेट जो भी बोलो बना लिया है कि टिल द टाइम आई विल कंप्लीट दिस आई विल नॉट चेंज माई थॉट प्रोसेस. मैं कुछ और काम नहीं करूंगी. So till the time we complete that task, हम एक state of mind में रहते हैं और हम वो task को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं. So here we comes with one more conclusion कि जब कभी भी हमारे ऊपर थोड़े challenges होते हैं हमारा mood automatic set हो जाता है वो challenge के हिसाब से. And generally we don't get panic, generally we don't get stressed. Generally, we don't take haphazard decision, but we are more focused when the task is challenging. So, उस task को खत्म करने के बाद, can we evaluate once again? हमने ऐसा क्या किया? मतलब हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमने पूरे mind को set करके रखा था till the time we completed that task. That will help us to become more productive. So, there are few things. मतलब going towards the close, deposit the positive thoughts in our memory bank. A lot of this will give you healthy credit balance. Be front seater and conspicuous. Front seater means take initiative. We always feel happy. We always are in the right frame of mind if we are taking initiatives. When we take initiative, Maslow theory का जो एक need है हमारी रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन वो वहां पे फुलफिल होती है. जब कभी भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा लोग हमें देखते हैं. वी आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय पीपल. दे सी अस, दे गिव अस रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन. मे बी द फॉर्म्स आर डिफरेंट.
एंड दैट मोटिवेट्स अस. तो जितने भी आप हमारे पॉजिटिव मेमोरीज हैं उसको हमें डिपॉजिट करना है. जब कभी भी ऐसा लगे कि बैटरी डाउन हो रही है तो वो बैलेंस वहां से निकालना है और बैटरी को चार्ज करना है. दिस इज पॉसिबल. प्रैक्टिस स्पीकिंग अप. योर ओपिनियन इज एज वर्दी एज दैट ऑफ एनीवन एल्स इन द ग्रुप. मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड दैट यू आर नॉट दैट बैड एट ऑल. इट इज जस्ट दैट आई हैव नॉट सेड. But my idea may be better than anybody else's idea. And quite a few, हमने JCs में भी ये चीज देखी है. लोग सिर्फ बोलते नहीं है but they have very good ideas. एक बार नहीं बोला ठीक है, दूसरी बार नहीं बोला फिर भी ठीक है. Third time onwards, people will start ignoring us and that will create an introvert personality in us. And that will directly affect our mood. And those people who cannot share, who cannot speak, they will always feel down and out. So to manage our mood, one thing we need to do is we have to talk. We need to discuss. We need to share our opinion. It is perfectly okay. Smile a bit. This is something, as we have already discussed, hum jab kabhi bhi smile dete hain, toh samne smile milti hi hai. It is contagious. चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे हमारे सेम एज के लोग, इट ऑलवेज कम्स बैक. इट्स अ परपेचुअल कॉन्फिडेंस एलिक्सर. एंड व्हेन समबडी स्माइल्स एट यू नो यू फील सो कॉन्फिडेंट. इसीलिए हमें बताया जाता है ना स्पीच क्राफ्ट. जिन लोगों ने नहीं कर दिया है उनको पता होगा हमें स्टेज के ऊपर आना है, माइक के सामने खड़े रहना है और सबको देख के एक स्माइल करनी है. वाई? Because that time you are building your confidence, you are at your highest level of confidence, and then you take off, you will go up. That's the crux, and that's why keep smiling. Any which ways, it doesn't cost anything. So, add value to yourself. Those who feel down, those who feel out, जिनको ये नहीं लगता है कि आज कुछ मजा नहीं है, उन्होंने अपने आप में कोई change नहीं देखा है. Just imagine, अगर आप सेम कपड़े रोज पहनो तो कैसा लगेगा? जो आज पहना है वही कल पहनना है, वही परसों पहनना है. Monotonous. And at times you feel so dull कि अरे यार ये क्या है? So we need changes. We need कि हम कुछ ऐसा करें कि कहीं ना कहीं से कुछ newness में आए. तो हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. तो ऑल दोस 14 पीपल हु आर हियर टुडे राइट नाउ, दे आर एडिंग सम वैल्यू इन योर ओन सेल्फ. वी आर एडिंग सम वैल्यू इन आवर सेल्फ. एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल गेट अप विद समथिंग न्यू इन आवर सेल्फ. एंड जब वो न्यूनेस होगी तो हम अपने आप को एक लेवल अप देखेंगे. एंड दैट बिल्ड्स द मोटिवेशन, दैट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस. And that builds the right attitude. So let us become more valuable every day. Practice positive self-talk. How many of you talk to yourself? कितने लोग हैं जो अपने से खुद से बात कर रहे हैं? लोग चाहे पागल बोले, but I speak to myself like Jyoti Ahu ना कराए, अथवा Jyoti Ahu कराए. Very good Jyoti, you have done this right. Yes, Rehman, you are doing it. Who else? I want to see. कितने लोगों ने hand raise किया है? अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो ये करना. You will feel so nice. अपने आप को पुकार के तो देखो अच्छा लगता है ना. जब रेनू ऐसे मैं बोलू आपको कि रेनू जी कैसे हो तो अच्छा लगता है. आप म्यूट हो तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? वो मुझे हाँ में समझ में नहीं है. अच्छा लग रहा है, हमारा नाम सुनने में मजा आता है. दैट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस. हम जब स्कूल में थे, हम जब ऑफिस में होते हैं और सबके बीच में हमारा नाम जब अच्छे से लिया जाता है तो वी फील हैप्पी. आवर लव्ड वंस, जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मे बी अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, हम आप वो आई डोंट नो वेदर यू हैव रियलाइज दिस और नॉट, बट आई हैव फेल्ट दिस
जब कभी भी बात में हम नाम बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन में नाम, चालू कॉन्वर्सेशन में जरा आप नाम बोलिए ना, तेरे बहुत मजा आवे। तो बात करते करते पर्सन का नाम लेना, एंड वो हैप्पीनेस हम खुद से बात करें तब भी मिलती है। सो टॉक टू योरसेल्फ दैट यू हैव डन वेरी गुड थिंग्स, गिव रिवॉर्ड्स टू योरसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ, मतलब ये वीक में बहुत अच्छा किया तो वीकेंड में ये करना है। जैसे आई लव कॉफी, एंड व्हेन आई डू अ गुड प्रोग्राम, जब मुझे फील होता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, आई गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी, या तो आई बाई चॉकलेट। अगर बहुत अच्छा काम किया है तो आई विल कमिट माइसेल्फ कि ये अच्छा होगा तो मैं ये खरीदूंगी। ये इंपॉर्टेंट है, कोई करे या ना करे, एम आई रिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, एम आई रिवॉर्डिंग माई सेल्फ, एम आई गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ। इफ आई स्टार्ट डूइंग इट विथ माई सेल्फ, आई विल ऑलवेज बी इन द हाइएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिट। और वो स्पिरिट जब अच्छा होगा तो आई थिंक मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लाफ एट योर ओन मिस्टेक्स, बहुत मजा आता है इसमें, सबसे ज्यादा मजा आता है कब आप अपनी गलती पे हंसे हो, और हंसे हो मतलब बता के हंसे हो, नॉट लाइक ऐसे ही हंस दिया, बट बता के। दो तीन दिन पहले मैं बेड से गिर गई, मतलब फॉर नो गुड रीजन, कोई था भी नहीं, ऐसे ही गिर गई, एंड आई वॉज लाफिंग, अरे यार ये क्या हो गया। एंड देन आई कॉल्ड अप माई सिस्टर एंड सेड कि ऐसा हुआ। कभी कभी हम बड़ी गलतियां भी करते हैं, दो चीजें होती है, जब हम हमारी गलती पे हंसते हैं तो हम पहले तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, और दूसरे, यस मैम, यू वांट टू शेयर समथिंग, रेनु जी, ओके। एंड दूसरा ये होता है कि जितने लोग ये गलती को सुनते हैं उनको ये पता है कि हमें पता है कि हमने गलती कर ली है, सो वो गॉसिप का पॉइंट नहीं बनेगा, बिकॉज वी ओनली हैव एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। सो हमारे अंदर एक तो गिल्ट कम हो जाएगा, एंड दूसरा लोगों को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारे बारे में बात करें। Yes, Saurabh, you want to share something? Yeah, so this was a incident that happened day before yesterday. So there was a meeting. I had a huge meeting because of which there was some immediate work that I received, because of which I slept late. I just got around 2 to 3 hours of sleep. The meeting went well. It was very good. Everything was done. After that, I had a subsequent meeting. So in the meanwhile, I had around half an hour to 45 minutes of break. I was feeling very tired. So I thought, let's take a quick nap. The meeting was of 1 hour. And so I slept for around 2 hours. I just received one message that, where are you as of right now? Then when I woke up, I realized what a blunder I had done. I immediately messaged the person who I had a meeting with. She said, I understand, don't worry. The reason for that, that she understood is, I am always on time for each and every meeting. She was also surprised that why I did not. When she heard the reason that I had slept, she also had a laugh, I also had a laugh. And at the end, we were able to reduce the guilt. I felt a bit relieved. But this is one thing that I learned from it, that this is something which should not happen afterwards. Correct. But it did not make me feel sad as much, but it made me feel fine. Ki yes, logo ko pata hai ki I am mostly regular. Ek bar galti ho gayi to let go. So people start considering, when we accept, they consider ki theek hai, ho gaya. Sahi bolna, matlab it is as simple as sach bol dena. So, and of course, lighter tone में जब हम बात करते हैं तो लोग उसको accept कर लेते हैं, and that reduces the level of stress actually. जब हम गलत बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, like training में हुआ था एक बार, बहुत routine की training थी हमारी, generally होती है और कभी भी हम miss नहीं करते हैं, but I forgot on that day कि आज training है, and at 10 o'clock my client is calling me कि ज्योति आप आए नहीं हो अभी तक. I said क्यों, क्या हो गया? So they said कि everybody is in the class and we are waiting for you for the training program, and I immediately realized, arre yaar, reh gaya. And then I said ki I'll be there in 1 hour, so
if they want to go and they want to come back, it is all right. Otherwise, you engage with the class, I am reaching as early as possible. And jaane ke baad bhi ye bataya. The moment you share, accept, it becomes very easy for you to move forward. Otherwise, hum wahin pe ruk jate hain. So move forward karne ke liye batana zaruri hai. Yes, Rehman. Same incidents actually the lots ki training thi in Vadodara. That is my first training from the JCI. And मैं मेरी गाड़ी लेके गया था हम वी आर द टू पीपल्स इन इन द कार एंड पूरे वहाँ पे ग्रुप के अंदर सिर्फ मेरी कार इको थी मारुति सुजुकी इको थी एंड जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई द कोच हमारे जो कोच थे उन्होंने बताया कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो डेट्स अ मैटर और क्योंकि इंट्रोड्यूस से ही आपको लोग याद रखते हैं एंड जैसे ही उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा द person who are watching that parking area वो आया ऊपर एंड उसने कहा कि इको गाड़ी बीच में खड़ी है हालांकि गाड़ी बहुत सारी बीच में खड़ी थी सो आई एम नॉट देयर लाइक मैं खड़ा नहीं हुआ एक बार कि यार कोई और होगी फिर उन्होंने नंबर बोला नंबर मेरे को याद था नहीं फिर मैंने कहा कि यार सिर्फ एक ही इको है पूरी उसके अंदर फिर मैं समझ गया कि ये सिर्फ मेरी है तो मैं चुपचाप उठा और उठ के चला गया लेकिन जब मैं वापिस लौटा तो मैंने चार पांच गाड़ियों के और नंबर लेकर आया साथ में सो एट दैट टाइम हाँ आई होप आप भी थे वहां पे एंड आफ्टर दैट सेशन ईच एंड एवरी वन पर्सन लाइक वो शायद ये सही है या गलत आई डोंट नो बट आफ्टर दैट एवरी वन नोज के रहमान करके कोई है एंड आई विल कंटिन्यू दैट सेशन फॉर टू डेज यस सो इट वॉज फनी मोमेंट ऑलवेज सबको याद रह जाता है yes. And that's why it is important to accept our own mistakes so that we create a lighter environment. And not mistakes at times just accepting what has happened, that's it. See yourself as a deserving person. बहुत सारी बार ये होता है कि हमें बहुत सारे complexes होते हैं. So जब कभी भी हमें prize मिलता है, जब कभी भी हमें rewards मिलते हैं, जब कभी भी हमें order मिलते हैं, तो हम ये सोचते हैं, अरे कैसे मिल गया? हमें खुद को पहले डिजर्व करते हैं ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा देन पीपल विल स्टार्ट गिविंग अस सो जब हम शुरू शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज ट्रेनर तो जब कभी भी प्रोग्राम आता था एंड पार्टिसिपेंट यूज्ड टू रियली लाइक इट मुझे लगता था यार सच में पसंद तो आया होगा ना कि ऐसे ही बोल रहे हैं सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है बट ग्रेजुअली वी लर्न कि हमें गेज करना पड़ता है कि आर दे रियली हैप्पी So this is how we can really manage hamare thought processes. Our mind completes whatever picture we put in. So draw a possibility picture. All 13 are here. We are 13 here. Let us do a small activity. You have to follow what I say. Okay? Close your eyes. Relax yourself. And see yourself completing the task that you have thought of. ये वो task के जो बहुत सारे time से आप कर नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं आप अटक रहे थे but now you have completed it. बहुत सारे efforts लगे हैं बहुत सारा time लगा है बहुत इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं एंड नाउ यू हैव एक्चुअली अचीव्ड इट यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड यू आर एंजॉयिंग इट एंड लविंग इट चेरिश दिस मोमेंट Relax and open your eyes. I want somebody to share. Kya hua? Can somebody share? Jyoti ma'am, maybe you can cold call someone.
Yeah. So we have Patwala, Rupangini Patwala, or Rajesh Ji. Rupangini. Sorry, Rupangini. Okay. Yes, ma'am. If you can share. Yes, ma'am. Just a second. कैसा लगा आपको? I was feeling very much relaxed and I was feeling very much happy that I have completed one task, which was I was thinking that it should be completed and it was remained from long time. So if you can share the task, अगर आप share कर सको, अगर आपने सोचा हो स्पेसिफिक टास्क को, अगर पर्सनल है और नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम्स, नो नो क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन फर्स्ट टाइम काफी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मुझे मतलब इंटरेस्ट तो था लेकिन फिर भी पल्ले नहीं पड़ता था, तो सोचती थी कि छोड़ो, तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन उसके अलावा काफी कुछ किया मैंने धार्मिक वे में। फिर अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है, तो इस बार किसी ने मुझे नहीं बोला कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, मैं गीता पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी और 18 अध्याय मेरे प्रेगनेंसी के पहले मतलब डिलीवरी से पहले कम्प्लीट कर दूंगी। तो जो टास्क अभी हुआ नहीं है कम्प्लीट, लेकिन मैंने फील कर लिया। सही है। रूपांगिनी जी के लिए एक्चुअली बात कहूं, शी इज फ्रॉम अहमदाबाद एंड शी इज नॉट नॉन जेसी राइट नाउ, बट ईच एंड एवरी ट्रेनिंग शी इज देयर एंड वेरी डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, शी वांट टू डू समथिंग इन हर लाइफ, बट ही इज लाइक लर्निंग ऑलवेज, शी इज रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक जितने भी ट्रेनिंग्स जेसी आई सूरत ने ऑर्गेनाइज की है, ईच एंड एवरी ट्रेनिंग के अंदर शी इज present. I wish you all the best. Thank you, ma'am. Yes, Rajesh ji, if you can share. Rajesh ji, Rajesh Desai. Jyoti ma'am, he is responding in chat. Oh, okay. Hello. Yes, sir. Yeah, Rajesh Desai from Chirupatio. जी सर, तुम तुम्हारो एक्सपीरियंस शेयर करी शको कोई पन लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम्स। कैन यू लिसन मी? यस सर, आई कैन लिसन टू यू। दिस इज द पावर ऑफ अ विजुलाइजेशन इमेजिनेशन, व्हेन वी थिंक वी हैव कंप्लीटेड या अकॉम्प्लिश समथिंग दैट गिव द ऑलवेज गिव द कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। यस। So by this, you have given one visualization practice and I have done it and I feel it's a good thing and I feel happiness. Okay. And I'll be confident. Thank you. Yes. Somebody else? Baki koi? I request to Renu ji also, ma'am. Yes, right. He regularly attend karte lekin kuch bolte nahi hai. And she is also non-JC member. Okay. But regularly she is attending all the trainings. Baki... Yes. हाँ, तो जिन जिन को मैं जानता हूँ मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बोले, क्योंकि जेसीआई इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। जी जी, व्हाट वी लर्न, यस रेनू मैम, वी वुड वांट टू लिसन। रेनू मैम, रेनू मैम गायब हो गए सर, भाग गए। कोई नहीं, होता है ऐसा, एक्चुअली काफी बार होता है कि हम कोशिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोगों के सामने बोलना, लेकिन जब मौका आता है तो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इमोशन। इमोशन, यस। राकेश जी, आपको शेयर करना है। मेरी बात किया ना? राकेश पटेल, यस सर, हाँ आपकी बात की, आपकी जी, राकेश जी, हाँ राकेश जी, कुछ प्रॉब्लम में
था मैं और हूँ तो उसको सॉल्व किया हुआ महसूस किया और आनंदित हो गया। अरे वाह, इससे सोशल प्रॉब्लम। ओके, नॉट एन इश्यू। व्हाट आई वांटेड टू कन्वे हियर इज, ये तो बहुत कम टाइम में और जस्ट एक स्मॉल एक्सरसाइज हमने करी, बट इन लाइफ सबसे पहले हमारे लाइफ में वो चीज हमारे माइंड में होती है एंड देन इन रियलिटी इट हैपेंस। पहले हमारे माइंड में वो पूरी इंसिडेंस होती है और उसके बाद वो इंसिडेंस हम रियलिटी में करते हैं। बहुत सारी बार हमें ये फील हुआ होगा कि ऐसा पहले हो चुका है हमारे साथ। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम सेम सिचुएशन से ऑलरेडी पसार हो चुके हैं एंड वंस अगेन वी आर लिविंग द सेम लाइफ। दैट हैपेंस बिकॉज हम हमारे माइंड में, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है कि हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग। तो राकेश पटेल जी ने जो भी सोल्यूशन देखा है एंड वो सोल्यूशन पर वो काम करेंगे, ही विल रियली गोइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम या जो भी इश्यू है उसको। एंड ऐसे हर कोई पर्सन यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ये एक्सरसाइज करी है एंड बहुत अगर आपने दिल से करी है तो वो ऐसा जी सर ज्योति एक बार शेयर करना चाहता हूँ। अगर ऐसी एक्सरसाइज मैंने जब 2011 में नेशनल टर्म में गया था मैं जालंधर में, तो ऐसी एक सिचुएशन खड़ी हो गई जाने से पहले कि मेरा बाहर निकलना तय हो गया था विदाउट एंडिंग। मैं जालंधर पहुंचू इससे पहले क्योंकि सिचुएशन ऐसा खड़ा हो गया था तो किसको प्रायोरिटी दी जाए वैसे ही रिजल्ट में। लेकिन एक बार ये जब प्रोसेस किया ना, वैसा मैंने प्रोसेस किया था आंख बंद करके और मैं पूरी प्रोसेस में से पास हुआ और मेरे हाथ में ट्रेनर्स का जो सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग देने के बाद जब हमारे हाथ में आता है ना, उसको मैंने हाथ में पकड़ के कूदा मैं कि मेरे पास आ गया है। और बाद में ये घटना घटी, 4 दिन का अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया नेशनल ट्रेनर का और क्लियर कर दिया मैंने। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस। ट्रू, वेरी ट्रू सर। यस शैलेश जी, यू वांट टू शेयर समथिंग, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट करवो पड़े। हेलो, हां जी। अभी मैडम, अभी आपने जो बताया कि कोई इंसिडेंट हमारे साथ एक घटना होती है और हमको ऐसा लग रहा है हाँ मैं पहले सेम सिचुएशन से पास हो चुका हूँ, वो मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुकी है लाइफ में, तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि एवरीथिंग इज फिक्स? ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हमारा माइंड जो है बहुत स्ट्रांग है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है कि हमारे लाइफ में जो चीज होने वाली है जिसके बारे में हम सोचते हैं वो हमें पहले इन माइंड हमारे सामने वो पिक्चर दिखाता है एंड इन रियलिटी उसके बाद वो होता है, एक्शन में बाद में आता है, पहले हमारे माइंड में वो पूरा पिक्चर चलता है। तो हमारे माइंड में वो वर्चुअल रियलिटी होती है और फिर इन रियल लाइफ वो हम करते हैं। शायद आपको आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा मुझे मालूम नहीं है, पर एक आकाशी रिकॉर्ड के स्पिरिचुअलिटी में एक सब्जेक्ट आता है। कौन सा सब्जेक्ट? आकाशी रिकॉर्ड बोलते हैं उसे, आकाशी रिकॉर्ड, जिसके बारे में ऐसा आया था कि रशिया इज वर्किंग ऑन इट टू गेट द डायलॉग्स ऑफ महाभारत। नहीं, आकाशी रिकॉर्ड एक ऐसी चीज है जैसे आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करोगे ना तो उसमें वो आपको कंटेंट मिल जाएंगे। काफी स्पिरिचुअल गुरु ने भी इस बारे में जिक्र किया हुआ है कि आपके पूरी जीवनी एक फिक्स है कि आप ऐसे पैदा हो, किस मोड़ से गुजरोगे और यहाँ पर आपकी लाइफ खत्म होगी और उसके बाद की भी आप, तो ये एवरीथिंग क्या है, एवरीथिंग इज फिक्स या फिर ये एक ज्यादातर हो सकता है? ज्यादातर हाँ, क्योंकि हम पहली एक्शन अपने आप से लेते हैं बट उसके बाद हमें जो भी लाइफ में मिलता है वो कहीं ना कहीं हमने हमारे पास में कुछ ना कुछ किया है, ये उसके रिजल्ट्स ही मिल रहे हैं हम। सो व्हाटएवर वी आर गेटिंग टुडे इज मोर और लेस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन बिफोर। ओके, तो बेसिकली और जब हम स्पेसिफिकली मूड की बात कर रहे हैं ना तो ये हो रहा है कि जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा पाएंगे। नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेस को हम एक्वायर कर सकते हैं
तो जब कभी भी मुझे ये लगे, जैसे राकेश जी ने बताया मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अभी NDDS में जाना था एंड जस्ट बिफोर 15 days कोविड पॉजिटिव आया. सो एवरीथिंग वॉज प्लान्ड एंड सब सोच रहे थे कि अरे यार अब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी. एंड स्ट्रॉन्गली आई स्टार्टेड फीलिंग दैट नो इट विल गो अवे, माई टेस्ट विल बी नेगेटिव जब हमें जाना होगा तब, एंड मुझे कुछ नहीं होने वाला है. आई कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन एंड ऑन 14th डे व्हेन आई वेंट फॉर द टेस्ट रीटेस्ट इट वॉज नेगेटिव एंड आई कुड गो टू NDDS एंड फॉर्चुनेटली राइट नाउ प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर. सो हम बिलीफ जब हमारी स्ट्रांग हो जाती है तो नॉलेज स्किल्स एंड रिसोर्सेस को तो हम अक्वायर कर सकते हैं, फिर मुझे जो नहीं आ रहा है वो मैं सीख सकती हूँ. Now, when I learn things, I add value to myself. And when I add value to myself, I feel confident. One has to understand when it comes to managing our thought process, education and intelligence are two different things. They are not same. So, jab kabhi bhi hume ye lage ki bahut nahi padha hai, ya degrees, badi degrees nahi hai, highly qualified ya B schools, international B schools mein nahi gaye hai, not to worry. What matters is intelligence. Once again, we are talking about self-trust. Take very good care of yourself, your dressing, your things, jo bhi aap use kar rahe ho. Like, mera laptop is something very close to me. Main jahan kahin bhi jaati hoon, my laptop is with me, whether I need it or not. But it always remains with me. तो ऐसी हमारी जो भी चीजें हैं, हम चीजों से भी इतना ही प्यार करते हैं, तो हमें खुद के साथ साथ अपनी चीजों का भी उतना ख्याल करना पड़ेगा. आई रिमेम्बर कि इंटरव्यू में जाना है या इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो आप पसंद एक पर्टिकुलर कलर चूज करते हो, ये कलर का शर्ट पहन के जाएंगे तो मीटिंग अच्छी होगी, या ये कलर के कपड़े पहनेंगे, या ये पर्टिकुलर शर्ट पहनेंगे, या ये माय अंकल उनके पास एक क्रॉस का पेन है और जब कभी भी वो अग्रीमेंट साइन करते हैं वो क्रॉस के पेन से ही करते हैं. इट्स अ बिलीफ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हम वो हमारा एंकर बना लेते हैं. और जब कभी भी हम कोई चीज के साथ हमारा एंकर बना लेते हैं एंड दैट एंकर इज पॉजिटिव, एंकर इज अटैचमेंट विद दैट थिंग, वो हमें पॉजिटिव ओरिएंटेशन देता है. तो हमें खुद का ख्याल रखना है, पैम्पर करना है खुद को, और हमारे कपड़े हमारी चीजें उसको भी सही तरीके से चूज करनी है. इफ यू हैव ऑल द थिंग्स राइट, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे. लेट अस स्टे अवे फ्रॉम सुपरस्टिशन. नंबर 13, कुछ नहीं होता, बिल्ली का रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, दूध गिरने से कुछ नहीं होता, कांच टूटने से कुछ नहीं होता. All this is just a thought process. I remember one thing, and shayad sabne ye experience kiya hoga. Those who believe, they see themselves in that trap. Aaj doodh, matlab doodh gir gaya hai, to din achha nahi jane wala hai. And the all time we are thinking, aaj din achha nahi jayega. और क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्गली उस बात को बिलीव करते हैं, जेन्युइनली हमारे साथ ऐसा कुछ होगा कि कहीं ना कहीं हम हमारे साथ बुरा होगा. बिल्ली का रास्ता काटना, तो मतलब हमें ऐसा बोला जाता है कि एक्सीडेंट होगा, बिकॉज बिल्ली ने रास्ता काटा है, हमने वो देखा है, और हम पूरे टाइम पे यही सोच रहे हैं कि अभी किसी से टक्कर लगेगी और एक्सीडेंट होगा, और ना कि बिल्ली, बट हमारे वो सोचने की वजह से एक्सीडेंट होता है. वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट. सो लेट अस स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद समबडी एल्स, बिकॉज आवर कॉम्पिटिशन इज विद आवरसेल्व्स, इट्स नॉट विद समबडी एल्स. एंड लेट अस एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस बी एंथुजियास्टिक एंड फुल्ली मोटिवेटेड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग. Comparison is really a thief of joy. हमारी खुशी को चुरा लेती है. So, यहाँ पे 3 या 4 trainers हैं. I never compare myself with any other trainer because I have my own benchmark.
एंड आई हैव टू एक्सेल इन माय ओन बेंचमार्क, जो सीढ़ी मैंने मेरे लिए बनाई है मुझे उसमें एक्सेल करना है. मैं किसी और से आगे या पीछे हूँ या नहीं हूँ, दैट इज नॉट रियली ए मैटर ऑफ कंसर्न. What concerns me is मेरा आज का ट्रेनिंग मेरे कल के ट्रेनिंग से कितना अच्छा मैं कर पाई. What value addition am I doing? What new thing I am bringing? Where am I updating? So let us focus on our own upgradation, and that will going to help us to maintain our thought process. So these are few tips. Vaccinate yourself against excusitis. When we want to manage, let us not give excuses. ये हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया, ये हुआ इसलिए ये नहीं हुआ. Let's stay away from this. Ask ourselves what is the final objective, because that will help us to stick to our things. Remind yourself the benefit of success. Most of the time we forget this. हम भूल जाते हैं कि अगर हम successful होंगे तो हमें क्या क्या benefit है. Shift attention from some other activities. Accept failure as a part of life. It's natural. Don't rationalize all the time. Hame har waqt neutral nahi rehna hai. We need to feel those emotions. All the emotions are equally important. And let's feel them. Because at times our decisions are based on these emotions. And they need to be based on such emotions. Resolve yourself to reach your highest potential. I will complete, I will do my task at the highest level of my potential. Then we will excel. We will be in a position to remain in the right frame of mind. So with this, I really wish that always be happy, because we deserve to be. In this journey of 1.5 hours, what I was trying to probably say was we all deserve to be happy, and we should be happy. And sadness, hatred, love, anger, all this put together are part of happiness. So let us be happy in all this situation. Accept whatever comes to us, and give only and only the happiness. If we do that, probably we are in a better position to manage our mood. Thank you so much, Rehman. Over to you. Thank you. Thank you so much. It's a wonderful session, ma'am. And 10:30 baj gaya to 20 se hum log seedha 10 aa gaye. But this is the person jo completely apne task ko hamesha pura karta hai. See, har baar hum log 100% nahi de paate. या जब देना चाहते हैं तब हमें कोई 100% देने को तैयार नहीं होता. सो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. शैलेश जी की एक बात कहूंगा कि जी हाँ, फिक्स है कि हमें पैदा भी होना है और हमें मरना भी है, लेकिन उस बीच का जो डायरेक्शन है ना, बीच का जो रास्ता है ना, वो हमें कैसे बिताना है, डेट इज कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है. हम अपने आप को सीखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, आजमाते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये सोचकर कि जो होगा वो होने दे, हम जैसा चल रहा है चलने दे, तो लाइफ में चेंज नहीं आएगा. लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और जो आज हम लोग कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमें अपना आने वाला कल बदलना है, दैट्स व्हाई वी आर हियर. हम ये जानते हैं कि हमें सही रास्ता चुनना है, तो हम उस रास्ते की सही पहचान करने के लिए हमने ये रास्ता चुना है कि हम लोग सीखें और आगे बढ़े. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे भी करने वाले हैं. एंड ज्योति मारू मैम, रियली 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 आई एम वेरी मच सरप्राइज के हम अपने मूड के सेशन को इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. लाइक दिस इज द वन चैप्टर जहां पे हम इस सेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं कि हाउ टू लाइक हम अपने ईक्यू को किस तरह से पहचाने एंड हाउ वी डाइवर्ट देम. That thing, if I'm not wrong, Jyoti ma'am. So true, very true. So this is the thing जहाँ पे हम उस चीज को बहुत powerful कर सकते हैं. And yes, we can again be doing this thing. Yes, आज जो हुआ वो आगे नहीं हो, इसलिए now we are taking as an JCI Surat citizen member, we are taking something के हम लोग अब हफ्ते के सारे week
एक एक बार ट्राई करेंगे कि कौन से वीक या कौन से डे में, जो वीक के वन वन डे हम लोग ट्राई करेंगे कि कौन से डे में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। सैटरडे हम लोग इग्नोर करेंगे कि भाई ज्यादा लोग नहीं आ पाते, तो बट वी आर वेरी राइट ट्रैक। स्टार्ट भले ही स्लो हो सकती है लेकिन डेफिनेटली वी रीच अवर स्टेशन वेरी सून। सो थैंक यू सो मच मैम, और थैंक्स नोट के लिए मैं सौरभ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वंस अगेन आई थिंक रूपांगिनी मैम एंड शैलेश जी वांट्स टू शेयर। यस शैलेश जी कुछ बोलना है, आपके हैंड्स राइज है, म्यूट करिए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सर। मैंने थंब किया कि आज का प्रोग्राम काफी बढ़िया रहा। ओके थैंक यू। आपका हाई हाथ राइज है ना, इसीलिए तो आपने वो राइज डाउन नहीं किया था, दैट्स व्हाई वो आप वहीं के वहीं हैं। रूपांगिनी जी। यस मैम, मेरा सवाल मैडम से है। एक्चुअली आपने वो कंपैरिजन वाली बात कही कि हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ कि हमें एक वेल नोन इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रही थी, तो वहां पर संडे पर ग्रुप सेशन होते हैं, फिजिकली हमें जाना होता था वहां पर, तो नाम नहीं बता सकती। तो वहां पर क्या होता था कि हमें जानबूझकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपैरिजन का जो जाल है उसमें ट्रैप किया जाता था। पर हम इनिशियली हम जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमारा लेवल कहाँ है और हमें कहाँ तक पहुंचना है। चलो इतना भी कर लिया तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा जो हमसे बेहतर है और हम जानते हैं और हम एक्सेप्ट भी करते हैं, इससे कोई जेलसी वाली बात है ही नहीं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट, हम वहां पर लर्न करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली ये जो होता है ना कि कंपैरिजन दूसरे हमारे सामने है करते हैं, और स्पेशली इन ग्रुप किसी बंदे को या किसी बंदे की उस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देना, वो सही नहीं है। और हम भी जानते हैं कि इस जाल में हम फंस रहे हैं, लेकिन कभी कभी उस सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप कुछ शेयर करेंगे इस बारे में? कभी कभी नहीं, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं, हम जब टीम में काम करते हैं, तो नेचुरली ये होना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। दिस इज ऑल्सो एन इमोशन एंड it will also come. The competitive nature, competitive feeling is also a kind of feeling. So ye hona no problems, but uske baad jab kabhi bhi ye cheez hoti hai to uske baad hame ek pause lena hota hai. Jab kabhi bhi koi bhi emotion zyada hone ki shuruaat karta hai, wahan pe pause lagana hai. Thoda thoda to chalega, thoda to competitive hona bhi padega taki hum excel kare. But, बात अलग है मैम कि कंपटीशन तो बहुत जरूरी है अंदर अंदर, लेकिन वो राइवलरी बेस पर नहीं होती, नहीं चाहिए, टीम बेस पर होनी चाहिए। लेकिन या प्लीज रूपांगिनी जी को मैं जानता हूँ अच्छे से, एंड कहाँ की बात हो रही है वो भी मैं जानता हूँ। बट द थिंग इज व्हाट इज आज हमने जो चीज सीखी है वो चीज ये है कि हमें खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ। पहली चीज, जो आपको हर्ट करता है वो आप खुद हो, कोई दूसरा करता है वो उनका प्रॉब्लम है। सी वो उनकी थॉट प्रोसेस है कि वो किससे क्या कंपेयर करते हैं, किसको क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हम खुद को कंपेयर करते हैं किसी के साथ, तब हम सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। तो हम अगर किसी के साथ कंपेयर करना, सी एक होता है आप किसी को फॉलो करते हो, आज मैंने टारगेट किया कि ज्योति मैम की तरह मुझे ट्रेनिंग लेनी है, सो दैट इज माई टारगेट। मैं उनको उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट आई एम ऑलवेज फॉलो हर कि मैंने उनके साथ कॉम्पिटिशन मैंने कैसे किया। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ कि कहाँ मैं सही था, कहाँ मैं गलत था, क्या था। लेकिन हाँ, कोई दूसरा कंपेयर करता है और हम हीट हो जाते हैं, इट मीन्स हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही वीक है, हमारा IQ बहुत वीक है। सो और दूसरी चीज है, जिस जगह हम लोग सबसे ज्यादा वीक होते हैं ना, सबसे ज्यादा हमले वहीं होते हैं, वहीं पे होते हैं। सबसे ज्यादा हमले वहीं पे होते हैं। अगर मैं दिल से सोचता हूँ और दिमाग से नहीं सोचता, तो लोग मेरे दिल के सोचने का फायदा उठाते हैं। So, I would put it this way, किन लोगों की बातों को हमें दिल से लगाना है, किन लोगों की बातों को हमें दिमाग से लगाना है, और किन लोगों की बातों को हमें कहीं से भी नहीं लगाना है, वो डिमार्केशन करना जरूरी है। तो अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं
दिल दिमाग सब जगह से लगाना है, इवैल्यूएट करना है, उसके ऊपर एक्ट करना है. सीनियर्स कुछ बोल रहे हैं, यस वी हैव टू टेक केयर कि उनकी बात में क्या बात है, उसको सोचना है, उसके ऊपर एक बार रिव्यू करना है. बट कभी कभी कुछ बातें हैं जो लोग हमें मैटर नहीं करते हैं, उन लोगों की बातों से कंपेरेटिवली दूर रहना है, क्योंकि ज्यादातर वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है. वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन आवर स्किल सेट्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो आई वुड रिलैक्स, आई वुड पुट इट दिस वे, रिलैक्स. मैम ज्योति, मैम जी सर, ज्योति, राकेश जी यस. अभी आपने बोला अलग अलग जो बोलते हैं उसको कैसे लेना है, तो और अभी रेमन भी बोल रहे थे, तो मुझे आज की वो फ्रेश एक बात है वो शेयर करनी है. तो एज ए सीनियर बोलू तो भी हो सकता है ऐसा कि मेरी बेटी ने कनाडा से आज एक हमारे सोशल ग्रुप में एक दो सेंटेंस की एक बात अपलोड की थी, तो मैंने देखा बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको लेके एडिट करके हमारे सब ग्रुप में मैं भेज दिया. और वो आज के टॉपिक के और अभी के टॉपिक के और ये लास्ट मोमेंट के टॉपिक से मैच होती है. वो है कि सुखी होने के बहुत सारे रास्ते हो, ब्रेक है गाँ. हाँ ब्रेक हो गया शायद. खुश होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, गम होने के लेकिन दूसरों से. सर रिपीट करना पड़ेगा सर. हाँ, सुखी होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं. हाँ जी मैं रिपीट करता हूँ, सुखी होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का एक भी रास्ता नहीं है. सही है, ट्रू ट्रू, वेरी वेल सर. सुना, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. ये एक ही लाइन काफी है, काफी है ये. हाँ, एक ही लाइन एक्चुअली बहुत काफी है. सुखी होने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट लोगों किसी और से सुखी होना, किसी और से ज्यादा सुखी होने के कोई रास्ते नहीं. आनंद बावर की एंड आनंद मूवी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैनेजिंग इमोशंस एंड मूड. लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है जहां से हमें छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक वी आर मोर फोकस्ड ऑन बड़ी खुशी देन दिस छोटी छोटी खुशी. एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गई, खुश होना. आज सब काम कंप्लीट कर दिए, खुश होना. सो छोटी छोटी चीजों को से खुश होने की जरूरत ज्यादा है, बिकॉज दे आर मोर इन नंबर्स.